उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं, उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। उड़ाया गया भारतीय संस्कृति का, और रावण का किरदार बनाने, किरदार निभाने वाले को भी खिलजी के रूप में, दूसरे रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, वे दुष्ट थे, राक्षस थे, उन्होंने हमारी माँ जगत जननी जगदम्बा का अपहरण भी किया था, लेकिन लेकिन उनकी तुलना मुसलमानों से नहीं की जा सकती। ये मुसलमानों से उनकी तुलना करना सनातन धर्म का अपमान है। फिल्म के नाम पर किसने किया मजाक, आदि पुरुष का टीजर देख आपको आएगा भयंकर गुस्सा। सोने की लंका अंधेर नगरी कैसे बनी, महाप्रतापी महाज्ञानी रावण का खिलजी लुक क्यों, आंखों में सुरमा और दाढ़ी वाला रावण किसकी सोच, राम के पैर में खड़ाऊ नहीं लेदर वाली चप्पल, हनुमान के गेटअप से भी गंदा मजाक, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, ये बात रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखी है और सही भी है। ईश्वर भाव देखते हैं, ये नहीं कि आप उसे किस रूप में पूज रहे हैं। यही कारण है कि भारत में कोई राम, कोई कृष्ण, गणेश, हनुमान, शिव न जाने किस किस का भक्त है और उसे अपने तौर तरीके से मानता है। लेकिन मॉडर्न फिल्म जगत ने भावना तो छोड़िए, ऐतिहासिक ग्रंथों को भी साइड लगाकर कमाई के चक्कर में ऐसी कहानी, ऐसे किरदार बूंदिए जो किसी के गले नहीं उतर रहे। दरअसल बात यह है कि ओम राउत निर्देशित फिल्म आदि पुरुष अपने टीजर रिलीज होने के बाद ही सोशल मीडिया यूजर्स के गुस्से का शिकार हो गई है। ओम राउत वही हैं जिन्होंने तानाजी बनाई थी, इसीलिए उनसे उनकी 12 जनवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन हुआ उल्टा। इस फिल्म में सैफ अली रावण, प्रभास राम और कृति सैनन सीता की भूमिका में हैं। फिल्म में रावण का किरदार सैफ अली खान निभा रहे हैं, जिन्हें गुस्से वाला और काले रंग की पोशाक में दिखाया गया है। उनकी आंखों में सुरमा है और दाढ़ी भी। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी मुगल आक्रांता या फिर खिलजी का किरदार याद आ जाएगा। इसलिए लोग ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि रामायण में रावण भले ही विलेन बताया गया हो पर उसे ज्ञानी प्रतापी माना गया है। सैफ अली खान के इस किरदार में होने के कारण इसे इस्लामीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गुस्से का एक कारण ये भी है कि दक्षिण भारतीय फिल्मों में धर्म को अब तक बड़ी जिम्मेदारी संजीदगी के साथ प्रयोग किया जाता था, लेकिन इस बार सवाल दक्षिण की ही फिल्म पर उड़ गए हैं। वो बहुत भद्दा तरह से फिल्माया गया है, मतलब फिल्मों पर इस्लामीकरण का प्रभाव दिखाने के लिए ये फिल्में फिल्माई जा रही हैं और इनका विरोध करना ही चाहिए। और मुझे दुख है कि साउथ के कलाकारों के द्वारा बनाई हुई इस फिल्म में ये हालत हुई है, क्योंकि हम लोग तो ये समझते थे कि साउथ में अभी भी धर्म थोड़ा जीवित है। कहानी यही नहीं खत्म होती, बात तो ये भी है कि रावण की नगरी लंका को भी अंधेरे और डरावनी जगह का लुक दिया गया है, जिस पर लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। पौराणिक कथाओं में लंका को सोने की नगरी के तौर पर बताया गया है। कहा तो ये भी गया कि लंका की चमक समुद्र पार से दिखती थी, खुद कुबेर ने लंका बनाई थी। ये बात सही है कि रामानंद सागर के रामायण के किरदार हर किसी के दिल में बसे हैं। हमने राम, रावण सबको वैसा ही सोच रखा है। यही कारण है कि उसके बाद भी कई रामायण आधारित सीरियल और फिल्म बनी, पर वो छाप दिल से नहीं जा पाई। लेकिन आदि पुरुष में सस्तेपन की हद कर दी गई। फिल्म में हनुमान के रूप पर भी सवाल है, उन्हें चमड़े के कपड़े पहनाए गए हैं, उनके बाल स्ट्रेट हैं, कान भी सूने हैं, जबकि हनुमान चालीसा में साफ लिखा है, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, यानी मोतियों के समान जिनका शरीर है, कान में कुंडल है और घुंघराले बाल हैं। राम का किरदार निभा रहे प्रभास भी खड़ाऊ की जगह चमड़े की चप्पल पहने नजर आ रहे हैं। खैर, ये बात सही है कि कहानी में किरदार सोचने वाले पर है, लेकिन जब आपके सामने पहले से ही चरित्र और चित्र हो तो कम से कम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो रखा जा सकता था। प्रयोग और आधुनिकता अपनी जगह है, इसके लिए भावनाएं दांव पर नहीं लगानी चाहिए। वैसे भी इस देश में धार्मिक प्रतीकों
चिन्हों, चित्रों, मंदिर, मस्जिद पर जब हर दिन बहस होती है तो बेहतर यही होता कि ऐसी बातों को अच्छे से सोचकर सिनेमा तैयार किया जाता। फिर राम तो हिंदुओं की आस्था के बड़े प्रतिमान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ईश्वर कम, जीवन आदर्श ज़्यादा हैं। उनके बारे में ही मर्यादाओं का ख्याल न रखना बड़ा गैर जिम्मेदाराना लग रहा है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर आपको ऐसे हजारों रिएक्शन देखने को मिल जाएंगे जो फिल्म पर, डायरेक्टर पर, किरदार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे और सीधा सवाल कर रहे हैं। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।